नामांकन करने आए प्रत्याशियों को करानी पड़ी कोरोना जांच। खबर औरैया जिले से है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए नवरात्रि के पहले दिन जिला मुख्यालय ककोर में प्रत्याशियों के द्वारा किए गए नामांकन के पहले उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम के निर्देश पर नामांकन के पहले कराए जा रहे कोरोना जांच के दौरान विधुना तहसील क्षेत्र के 5 प्रत्याशी कोरोना संक्रमित पाए गए। औरैया जिला मुख्यालय पर 9 कोरोना संक्रमण की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने प्रत्याशियों के संपर्क में आए हुए लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। नामांकन स्थल के अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ स्थलों पर भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मौके पर पहुंचकर तैनात अधिकारियों को भी गड़बड़ी फैलाने के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अजीत मल विधुना अछलदा क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डीएम और एसपी ने बताया कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही प्रत्याशियों के भी नामांकन से पहले कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। नवरात्रि और रमजान की शुरुआत एक ही दिन होने के कारण जिले में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। दिनांक 13 और 15 तारीख को नामांकन होना है। त्रिस्तरीय जो चुनाव चल रहा है, मतदान प्रक्रिया जो चल रही है, उसके तहत 13 और 15 तारीख को नामांकन होना है। आज मैक्सिमम लोग नामांकन के लिए अपीयर हो रहे हैं, उसके व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। 8 जगहों पे हमारा नामांकन प्रक्रिया चल रही है, उनको सुबह करीब 8 बजे से ही चल रही है और शाम के 5 बजे तक रहेगी। इसके लिए एक विशेष प्रबंध भी किया गया है कि सभी जितने भी लोग नामांकन करने आ रहे हैं कैंडिडेट, वो सब अपना टेस्ट भी यहीं आके कराएंगे। उसके लिए RRT टीम यहीं पर बुला ली गई है। सभी का कंपल्सरली सैंपल लिया जा रहा है और हम टेस्ट करवा रहे हैं ताकि हमें जान सके कि कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा तो है ही, लेकिन यह है कि वो भीड़ में निकल के प्रचार न करे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जहां पे MCC के वायलेशन दिखाई दे रहे हैं उन पर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके कार्रवाई की जा रही है। अंदर 200 मीटर के दायरे पे बैरिकेडिंग करा ली गई है और अंदर नामांकन करने हेतु प्रत्याशी और प्रस्तावक, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव मिला? नहीं, टेस्ट का रिजल्ट तो अभी आएगा, अभी हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। टेस्ट का रिजल्ट आज शाम तक और कल तक, क्योंकि RT-PCR वाले तो 48 से 72 घंटे में यहाँ पे आ पाते हैं क्योंकि उसका सैंपल सर्वे ही भेजा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो एंटीजन वाला है वो शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगी, पोर्टल पर अपलोड होती है सारी रिपोर्ट और वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन RT-PCR वाली रिपोर्ट जो है वो 2 दिन बाद ही हमें मिल पाती है। इसके अलावा जिले में शांतिपूर्ण मतदान हेतु अब तक 1 अपराधी को रासुका लगाया गया है। इसके अलावा 168 अपराधियों को जिला बदर किया गया है और 20,164 लोगों को 107(16) की कार्रवाई के तहत पाबंद किया गया है और 20 भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है ताकि जिले में शांतिपूर्ण मतदान और सुरक्षित मतदान संभव हो सके। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। नामांकन के दौरान जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर का घेरा हमारे द्वारा डाला गया है। इसके साथ ही साथ जो कोविड नियमों का पालन करना क्योंकि बहुत आवश्यक है संक्रमण के कारण, तो वो भी उसके भी इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, साथ साथ जो पुरुष कांस्टेबल्स हैं SI 3 लेयर में हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। बैरिकेडिंग प्रॉपरली की गई है और साथ ही साथ सबकी चेकिंग उसकी की जा रही है। परिसर की भी एंटी सेबोटाज चेकिंग हमारे द्वारा की गई है और सभी जो नियम है उसका पालन किया गया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।